की बड़ी खबर, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में करीब ढाई घंटे तक यह बैठक हुई। प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बैठक हुई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच नियुक्ति पर मंथन किया गया, तो संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। सूची तैयार होने के बाद भी मंथन जारी है। नई सूची और फाइनल सूची में क्या कुछ नाम जोड़े गए हैं वो उनके पर चर्चा की गई, और बड़ी बैठक एआईसीसी की ओर से जोड़े गए नामों पर भी चर्चा की गई दिल्ली के अंदर हुई, जहां पर प्रभारी रंधावा और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अंदर ये बातचीत हुई। संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर ये मीटिंग हुई, चर्चा की गई, जो नाम चुने गए हैं उनको लेकर चर्चा की गई। ढाई घंटे करीब ये बैठक चली, जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया तमाम नामों को लेकर कि किस तरह से आगे सूची जारी की जाएगी और कौन कौन से नाम शामिल होंगे उनको लेकर यहां पर मंथन किया गया। दोनों नेताओं के बीच में ढाई घंटे तक ये चर्चा चली। तो राजस्थान के चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस ने कमर कसर की है और उसी के चलते मैराथन बैठकें हो रही है एआईसीसी में। राजस्थान के दोनों बड़े नेता कांग्रेस के और दोनों बड़े चेहरे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा के बीच में मंथन किया गया संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर, और सूची बन चुकी है। उसके बाद तमाम नामों को लेकर ढाई घंटे तक ये बैठक हुई, चर्चा की गई, क्योंकि अब जल्द ही ये सूची जारी की जाएगी। तो उससे पहले ये अहम बैठक दिल्ली के अंदर हुई प्रभारी रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है हमारी संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी दोनों के बीच में एक अहम बैठक आज की गई संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर और सूची में नाम फाइनल करने को लेकर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल सौरभ, लगातार जो है जिला अध्यक्ष और जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और सचिव महासचिव बनाए जा रहे हैं उनको लेकर जो है सूची तैयार कर ली गई है। परंतु आज भी जो है लगभग कांग्रेस मुख्यालय में ढाई घंटे तक एक बैठक चली, जिसमें प्रभारी रंधावा और डोटासरा मौजूद थे। इन दोनों के बीच की बैठक हुई, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई, सूची तैयार कर ली गई है। परंतु अभी भी कुछ नामों पर जो है मंथन करना बाकी है, इसीलिए जो है इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। और वहीं दूसरी ओर बात करें तो लगातार जो भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है जिला अध्यक्ष हो, सचिव हो, महासचिव हो, उपाध्यक्ष हो, उनकी सूची जारी की जाएगी। बट अब देखना होगा कि जो सूची जारी होगी आखिरकार उसमें किन लोगों को जो है नाम शामिल रहेंगे और कैसे सभी वर्ग, महिलाओं और जितने भी लोग हैं, चाहे वो पायलट ग्रुप के लोग हों और गहलोत ग्रुप के लोग हों, उन सबको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली में अभी भी बैठक जारी है, बट कहा जा रहा है कि देर रात तक जो है पीसीसी की डोटासरा जो है वो जयपुर के लिए रवाना भी हो सकते हैं। जी, ऐसे में कहने का, अभी कहा जा रहा था, पहले खबरें आ रही थी कि 2 से 3 दिन के अंदर ये संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर जो सूची है वो जारी हो जाएगी, उसको लेकर कोई तारीख तय की गई है, कोई दिन तय किया गया है? बिल्कुल, कल इस बैठक जब कल दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई थी, तब भी इन बातों पर चर्चा हुई थी कि आखिरकार जो नियुक्तियां होने वाली है उसको लेकर देरी क्यों हो रही है। तो उसको लेकर भी जो है साफ तौर पर यही कहा गया था कि अगले 1 से 2 दिन में जो है सभी सूची जो है जारी कर जाएंगी। आज भी जो है यही कहा जा रहा है कि अब से 24 घंटे के अंदर अंदर जो है सूचियां जो है वो औपचारिक रूप से ऐलान हो सकती है। लेकिन देखिए, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सूची जल्दी जारी होगी, बट सूची जारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं पेज जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। पर अब देखना होगा कि अब अगले 24 से 48 घंटे में सूची जारी होती है तो किन लोगों को जो है इस सूची में जगह दी जाएगी, किन लोगों के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका इस तमाम जानकारी के लिए।